दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फायरब्रेक इन्विटेशनल वुमेन्स T20 सीरीज़ का जो मैच होगा बर्मी आर्मी वुमेन्स वर्सेस फ्लैकून्स वुमेन्स के बीच में जो ये मैच होगा। आज के इस वीडियो में आप सभी भाइयों को एक एक प्लेयर के बारे में फुल स्टार्ट प्लस इन्फो देंगे और मैच प्रिडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये मैच आप सभी के लिए जैकपॉट जाने वाला और वैसे भी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन और कहीं ना कहीं जो लोग भी एज अ मिनी जीएल और ग्राइंडिंग में इंटरेस्टेड है उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि एज अ देखो अब इससे बेहतर आपके पास मैच नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ कि यह मैच आप सभी के लिए क्लीन स्वीप जाने वाला है। तो जितना मन करे उतना इन्वेस्टमेंट रखना। वैसे भी दोनों ही टीमों की ओर से काफ़ी सारे एनालिसिस भी किया, जहाँ पे ऐसा लो सिलेक्शन परसेंटेज वाले आपको प्लेयर देखने को मिलेंगे जो आज के इस मैचेस में स्मॉली के साथ साथ ग्रैंडिंग भी विन कराकर देंगे, हर एक को प्रिडिक्शन देंगे जो आज के इस मैचेस के लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जितना कि हम इस मैचेस को विन करना। और करना क्या रहेगा, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। और दोस्तों सबसे पहले अगर आप सब मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन और मेरी फाइनल टीम के अपडेट्स के नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिलेंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। बाकी हम चलते हैं मैच प्रिडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। और भाइयों सबसे पहले तो आप सब देख रहे हो फैंटेसी क्रिक फैन का टेलीग्राम चैनल को गाइस, जहाँ पर जुड़ना आप सभी भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि टॉस और बैटिंग ऑर्डर के बाद जो भी हमारी टीम में चेंजेस होंगे इसकी फर्दर अपडेट्स और मेरी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे, जहाँ पर 5.1K सब्सक्राइबर्स हमारे ऑलरेडी जुड़कर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट निकाल रहे। और जिसको भी फैंटेसी की फील्ड में ऐसा प्रॉफिट में रहना है हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जिस टीम से मेरी खुद की अपनी इन्वेस्टमेंट होती है वो टीम आपको टॉस अपडेट और बैटिंग ऑर्डर के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करेंगे। वैसे भी यहाँ पर जुड़ोगे तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट ही निकालोगे, क्योंकि अगर आपको पता हो कि लाइनअप के और टॉस के बाद काफ़ी सारे टीम कॉम्बिनेशन में कैप्टन या वाइस कैप्टन में चेंजेस होते हैं, जिसके अपडेट्स केवल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक के थ्रू ज्वाइन कीजिएगा ताकि रियल चैनल पर जुड़ पाओ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे नाम से काफ़ी सारे फेक सब्सक्राइबर्स वाले चैनल भी है जहाँ पर लोग बैटिंग बेच रहे। तो अगर आपको हमारे रियल चैनल पर जुड़ना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, और जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्टली ज्वाइन कर जाओगे। तो ज्वाइन करके सिर्फ लास्ट मिनट तक एक्टिव रहना है। बाकी हम चलते हैं मैच प्रिडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई वो सबसे पहले जानेंगे कि मैच इन्फो के बारे में। मुकाबला होगा फायरब्रेक इन्विटेशनल वुमेन्स T20 का, ये मैच जो है चौथा खेला जाएगा, जो कि लगभग खेले जा रहे हैं 140 के बीच में देखने को मिलेंगे, पर फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे। जुड़ना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, हमारे चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो एड्रेट फैंटेसी क्रिक फैन और ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि आप सभी को हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है ताकि रियल चैनल पर जुड़ पाओ, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे डायरेक्टली छूट जाओगे। तो ऑलमोस्ट ज्वाइन जरूर से कीजिएगा। वेन्यू स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम इस ग्राउंड पर 110 बार विन की, बॉल फर्स्ट करने वाली टीम 127 बार विन करके आ रही है। दोनों ही टीम रिसेंट अपने एक एक मुकाबले खेले और इजीली इन्होंने विन किया। सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर जो BRW की टीम है, इनके प्रोबेबल लाइनअप और इनके प्ले स्टार्टर्स के बारे में। इनके टीम की ओर से डॉटिन एज ओपनर बैट्समैन, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, राइट अंडर बैट्समैन, राइट एंड मीडियम फास्ट बॉलर, T20 के इंटरनेशनल मैचेस 124 खेले, टोटल 2,681 रन, 26 का बर्जा, 61 विकेट इनके नाम है। तो सब बॉलिंग विद बैटिंग करके देंगे। रिसेंट मैचेस इन्होंने 7 का स्कोर किया, 0 विकेट, जहाँ पे 2 ओवर के बॉलिंग करा पर विकेट्स इनको मिले नहीं। फिर भी देखो ये ओपनिंग बैटिंग करा रही है, ऐसा बॉलिंग से भी चांसेस मिलेंगे, तो 1-2 ओवर बॉलिंग डालकर देंगी। तो आप सभी को अपने स्मॉलिंग में ऐसा प्लेयर एंड मिनी जीएल कैप्टन वाइस कैप्टन के वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। और आप बाकी जो लोग भी ऐसा 10 से 4 ओवर कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं अपने टीम में ऐसा प्लेयर ही इनको ट्राई करके जरूर से चलेगा। उसके बाद कविशा की बात करें तो T20 के 6 मैचेस के अंदर 26 रन, 11 विकेट के नाम है, राइट अंडर बैट्समैन, राइट एंड मीडियम फास्ट बॉलर है। रिसेंट मैचेस सिर्फ 8 का स्कोर का, ऐसा ग्राइंडिंग में ट्राई करना इस मॉलिंग में मुझे नहीं लगता रखने से कोई प्रॉफिट वगैरह होगा। वैसे भी एज अ जीएल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ग्राइंडिंग में ट्राई करके जा सकते हो। लोरा एंड बोरंड के पास T20 एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन है, और वैसे भी BBL के अंदर इन्होंने भी खेल चुके हैं, जहाँ पे 33 मैचेस 588 रन, 26 कवर, जो रिसेंट मैचेस 38 का स्कोर, एज अ बैटिंग से कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन। और आप सभी को अपने स्मॉलिंग में एज अ प्लेयर एंड मिनी जीएल कैप्टन या वाइस कैप्टन भी लेकर जा सकते हो। वेदर नाइट इज अ टीम की कैप्टनसी करी, राइट अंडर बैट्समैन, राइट एंड ऑफ ब्रेकर बॉलर है, और वैसे भी T20 नेशनल मैचेस के 87 के लिए टोटल 1389 रन, 23 के बजे, 20 विकेट इनके नाम है। रिसेंट मैचेस 36 पर 1 विकेट, 3 ओवर के बॉलिंग रहा है, और कहीं ना कहीं जो भी ऐसा बॉलिंग इनका डेथ में ही रहता है। तो आप सभी को अपने स्मॉलिंग में कैप्टन या वाइस कैप्टन को वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, चाहे वो ग्राइंडिंग इन्वेस्ट करो या फिर स्मॉलिंग या फिर अदर कोई भी कॉन्टेस्ट खेलो तो करके चल सकते हो। उसके बाद कॉमवेल एज अ विकेट कीपनिंग रहेंगे, राइट अंडर बैट्समैन, राइट एंड मीडियम फास्ट बॉलर है। T20 के 107 मैचेस के अंदर 852 रन, 13 का एवरेज, 34 विकेट इनके नाम है। रिसेंट मैचेस इन्होंने 28 का स्कोर करके आ रहे, बैटिंग से एक एवरेज परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर भी जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो थोड़ी सी नीचे है,
तो आप सभी को अगर अपने स्मॉलिंग में रिस्क कवर कर पाओ तो ट्राई कीजिएगा, वरना अगर आप चाहो तो इन्हें ड्रॉप करके भी जा सकते हो। कुछ खास बड़ा स्कोर तो है नहीं, फिर भी रिस्क लेना हो तो ड्रॉप कीजिएगा, वरना सेफ जाने की इच्छा करें तो अपने टीम कॉम्बिनेशन में एज अ प्लेयर लेकर जा सकते हो। एवरेज की बात करें तो कुछ खास बढ़िया फॉर्म नहीं, रिसेंट मैचेस 5 का स्कोर, राइट हैंडर बैट्समैन है, राइट हैंड मीडियम बॉलर, T20 के 16 मैचेस 216 रन, 19 के एवरेज, 15 विकेट, 10 के नाम है, ग्रैंडलिंग में ट्राई करो। फिलहाल स्मॉलिंग हम इनको ड्रॉप करके जाएंगे। वैसे भी टीम के अगर हम मेन बॉलर की बात करें तो फातिमा सना जो कि T20 7 मैचेस 7 विकेट 10 के नाम है। आर अहमद की बात करें तो 69 मैचेस के अंदर इन्होंने 748 रन, 13 का एवरेज, 61 विकेट 10 के नाम है। फिर भी अगर हम देखें तो फातिमा सना इज़ इंपॉर्टेंट, इनके पास इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस भी है, तो आप फातिमा सना को अपने स्मॉलिंग में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बाकी नॉरिस हज़ार T20 के 5 मैचेस के अंदर 4 विकेट, रिसेंट मैचेस 2 विकेट निकाले, फिर भी एज अ ग्रैंडली के इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फिलहाल अगर हम देखें तो आर अहमद और इन दोनों में से किसी एक को अपने स्मॉलिंग में लेकर जा सकते हो। बाकी हमारे टीम के एज अ मेन बॉलर रहेंगे तो आप इनके लेकर जाएंगे। T20 के 36 मैचेस 25 विकेट, रिसेंट मैचेस 1 विकेट निकाले, सर 4 ओवर के बॉलिंग करेगा। वैसे भी टीम के जो मेन बॉलर रहेंगे आप सभी को अपने स्मॉलिंग में लेकर चल सकते हो। बाकी अब देखो इस मैच से रिलेटेड हर एक अपडेट, सारी को इन्फॉर्मेशन और मेरी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे, और जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, और लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे ना डायरेक्टली जुड़ जाओगे, तो ऑलमोस्ट जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। अब दोस्तों अगर हम देखेंगे यहाँ पर FAL के W की प्रोबेबल आने पर इनके प्ले स्टार्टर्स के बारे में, इनकी टीम की ओर से सोजी बेस्ट जो ओपनिंग बैट्समैन जो राइट हैंडर बैट्समैन रहेंगे, राइट एंड मीडियम बॉलर, रिसेंट मैचेस इन्होंने 60 का स्कोर किया। वैसे भी T20 ऐसा करियर स्टार्ट इनका काफ़ी अच्छा रहा, T20 126 मैचेस के अंदर 3380 रन, 29 के बजे 50 विकेट 10 के नाम, रिसेंट मैचेस ऐसा बॉलिंग कराया नहीं, फिर भी ऐसा कैप्टन और वाइस कैप्टन के वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। उसके बाद से मीरा की बात करें तो फॉर्म देख लो तो इन्होंने राइट हैंडर बैट्समैन ऑफ ब्रेक और बॉलर है, T20 के 89 मैचेस 1867 रन, 23 के बजे 30 विकेट 10 के नाम, रिसेंट मैचेस इन्होंने 107 पर 0 विकेट जहाँ पे 3 ओवर के बॉलिंग कराया। तो ये दोनों ही ऑप्शन आप सभी को अपने स्मॉलिंग में एज अ प्लेयर एंड मिनी जेल एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन और बाकी स्मॉलिंग में भी करके चल सकते हो। सतीश का कुछ खास बढ़िया फॉर्म नहीं है, T20 14 मैचेस 341 में 37 के बजे, रिसेंट मैचेस 9 का स्कोर करके, इनसे बेहतर हमारे पास हेल्थ नजर आएंगे जो कि T20 के 24 मैचेस के अंदर 374 रन, 18 का रिजल्ट, 13 विकेट 10 के नाम है, और रिसेंट मैचेस इन्होंने अपने एक मुकाबले खेला जहां पे 2 का स्कोर करके 1 विकेट एज अ 2 ओवर के बॉलिंग डाले। एज अ बॉलिंग विद बैटिंग से जो फॉर्म है वो कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी बहुत बेहतरीन देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं सतीश से तो काफ़ी अच्छा फॉर्म इनका ही है, तो ऑलमोस्ट आप सब इनको ही अपने स्मॉलिंग में ट्राई करो। बाकी इन्होंने तो बॉलिंग करना तो एज अ बैटिंग के कुछ खास बढ़िया स्टैट्स भी नहीं है, एज अ ग्राइंडिंग में ट्राई करके चलना। अगर हम यहाँ से आलम की बात करें, राइट एंड मीडियम बॉलर है, T20 के 71 मैचेस 55 विकेट, रिसेंट मैचेस 0 विकेट, जहाँ पर इन्होंने 4 ओवर के बॉलिंग करके जा रही थी, पर कुछ खास बढ़िया फॉर्म नहीं है, एज अ ग्राइंडिंग में ट्राई करना। स्मॉलिंग में मैंने लगता रहने से कोई प्रॉफिट वगैरह होगा, फिर भी एज अ डिफॉल्ट रहेंगे, काफ़ी कम लोगों ने इसको ले रखा है, जिसको भी अपने स्मॉलिंग में थोड़ी बहुत रिस्क लेना हो आप इनको ट्राई करके चलना। बाकी जो इनकी बॉलिंग है किसी का भी कुछ ही बात नहीं, स्टार्ट नहीं तो आप इन दो प्लेयर को जीएल वगैरह में रखना। अब आपके पास थ्री पोस्ट नजर आएंगे जो राइट हंडर बैट्समैन ऑफ ब्रेक, सॉरी लेफ्ट हंडर बैट्समैन ऑफ ब्रेकर बॉलर है, T20 के 42 मैचेस 226 रन, 13 का एवरेज है, 39 विकेट 10 के नाम है, रिसेंट मैचेस इन्होंने 1 विकेट निकाला जा 4 ओवर के बॉलिंग कराकर। एज अ बॉलिंग से जो कंसिस्टेंसी इनके पास है वो बहुत बेहतरीन, और आप सभी को अपने स्मॉलिंग एज अ प्लेयर एंड मिनी जीएल कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो। बाकी यहाँ पर नीचे किसी का भी कुछ भी बैठने स्टार्ट नहीं, तो जो भी एज अ प्लेयर खेलेंगे इनको जेल वगैरह में ट्राई करना। अब इस मैच से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन और मेरी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे, और जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। बाकी दोस्तों चलते हैं अपने ड्रीम इलेवन टीम देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर आप थोड़ी ध्यान से सुना, सबसे पहले इनकी विकेट कीपिंग से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास देख लो सतीश ऐसा नजर आएंगे, उसके बाद कॉम्फेल जो आप सभी में इन दोनों में से किसी एक को अपने स्मॉलिंग में लेकर चलना है। थोड़ी सी ऐसा कॉम्फेल इस मैचेस के इंपॉर्टेंट रहेंगे जो इनकी बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे ऊपर है, और ऑलमोस्ट फॉर्म भी आपको थोड़ी बहुत बेहतरीन देखने को मिलेंगे। उसके बाद अटिपुटो हमारी टीम है जो आज ऑलमोस्ट फॉर्म की बात करें तो बहुत बेहतरीन से बैटिंग विद बॉलिंग दोनों से ही है, सूजी बेस्ट हमारी टीम के रहेंगे, लॉरा को लेकर चलेंगे जो इस मैचेस के लेकर इंपॉर्टेंट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर किसी का भी कुछ ही बेहतरीन स्टार्ट नहीं है, थोड़ी बहुत इन्होंने रिसेंट मैचेस में स्कोर किया, बाकी इनकी जो T20 एज अ करियर स्टार्ट से कुछ खास ज़्यादा बेहतरीन आपको देखने को मिलेंगे। डॉटिन एज हमारे टीम के एज अ मेन बॉलर और बैट्समैन रहेंगी, और यहाँ पे तिपोज को चाहो तो अपने स्मॉलिंग में ट्राई करना तो लेकर चलना। फिलहाल थोड़ी सी बहुत हम ऐसा रिस्क लेंगे, आलम को ऐसा अपने स्मॉलिंग में रखें, फातिमा सना को लेकर चल रहे हैं, बाकी टीम एयर को चाहो तो अपने स्मॉलिंग में रखना, जो कि ऑलमोस्ट इनके पास जो बॉलिंग से फॉर्म है ना वो थोड़ी बहुत आपको बेहतरीन देखने को मिलेंगे। मारिको वाले जैन बोरन जो बॉलिंग में बैटिंग करके देंगे, फिलहाल
अभी हम इसी टीम के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इस मैच से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक इन्फॉर्मेशन और मेरी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करेंगे। कैप्टन वाइस कप्तान की बात करें तो हमारे वाइस कप्तान नाइट इज कैप्टन के सिर्फ वाइस वेस्ट को वाइस कप्तान कर रहे हैं, सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे। बाकी अभी इस मैच से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक इन्फॉर्मेशन और मेरी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे। बाकी आप चाहो तो कैप्टन वाइस कप्तान इन्हें भी कर सकते हो। लोरा भी ऐसा मिनी जीरो ग्रैंडी के डिफॉल्ट रहेंगे। बाकी टॉटिंग ऐसा इंपॉर्टेंट रहेंगे कैप्टन वाइस कप्तान के डिफॉल्ट, सबसे ऑप्शन जो डिफॉल्ट वाइस कप्तान चाहो तो आप इन्हें दोनों ही को करके जा सकते हो। फिलहाल मैं इसी टीम के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बाकी अभी इस मैच से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक इन्फॉर्मेशन और मेरी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे। और जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, हमारे चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते अगले वीडियोस में किसी नेक्स्ट मैचेस की प्रेडिक्शन के साथ।